हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। मोटोमेटिक में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा से कुछ यूनिक लेकर आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके आए हैं, और आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं हैवी व्हीकल कन्वर्जन किट या हैवी व्हीकल डेवलपमेंट किट। जी हाँ दोस्तों, हैवी व्हीकल से हमारा मतलब है कि ये वो किट है जिसका कि आप 2 टन 3 टन या फिर उसे हायर कैपेसिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, और उस हायर कैपेसिटीज़ के हिसाब से हम लोग अलग अलग कंपोनेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस किट का ये जो किट है, ये एक तरह से पूरी कंप्लीट किट में किट है। इसमें आपको सारी की सारी जो भी आपको कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक हैवी व्हीकल को बनाने के लिए, वो सारी की सारी बेसिक कंपोनेंट्स आपको लगते हैं, रेडी टू फिट वाले कंपोनेंट्स आपको लगते हैं। तो आज की वीडियो में ना केवल हम लोग इन सभी कंपोनेंट को आप लोगों के सामने पूरा पूरा विस्तार में डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, बल्कि ये आपको ऑपरेट करके भी दिखाएंगे कि पूरा पूरा सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, कितने इजी स्विचिंग के थ्रू पूरा ऑपरेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो किट है ये हैवी व्हीकल किट है, और इसका जो यूज़ है हम लोग 1 टन 2 टन 3 टन 5 टन या 10 टन की गाड़ियों के लिए कर सकते हैं। अब ये जो इतनी हैवी गाड़ियाँ हो सकती है, ये मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज़ हो सकती हैं, ये आपके DIY प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हो सकती हैं, आप कोई कॉलेज प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए यूज़ हो सकती हैं, या फिर आप कोई मटेरियल हैंडलिंग के लिए कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, अपनी कंपनी में इंडस्ट्रीज में चलने के लिए कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं कि ऐसी गाड़ी बना रहे हैं 4-व्हीलर जिसमें कि आपको हैवी लोड कैरी करना हो, जैसे कि प्लेटफॉर्म ट्रक हो गए या फिर ट्रो ट्रक्स हो गए, उसके लिए पूरा किट जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। चूँकि अप टू 10 टन 15 टन तक की कैपेसिटीज़ की हम लोग आपको किट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कितना भी हैवी लोड हो उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। और अगर आपकी मान लीजिए प्लेटफॉर्म की साइज़ जहाँ पर आपको वजन रखना है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी छोड़ी है, तो हम लोग उसमें आपको डिफरेंशियल एक्सेल कस्टमाइज़ कर सकते हैं, स्टेयरिंग सिस्टम कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं। तो जिस भी तरह की आपकी एप्लीकेशन हैवी व्हीकल के लिए या नॉर्मल व्हीकल के लिए, मोटोमैनिंग आपको पूरा कंप्लीट रेडी टू फिट ड्यूरेबल हाई परफॉर्मेंस और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और हम लोग काफ़ी बड़े OEMs को ये कंपोनेंट अभी सप्लाई करते हैं, और आगे भी हम लोग और तरह के नए कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करने का प्लानिंग कर रहे हैं, और आप लोगों को उसके लिए रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग वन बाय वन कंपोनेंट से। तो सबसे पहले इस जो किट में हम लोग दे रहे हैं, अभी इस किट में हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं 5 किलोवाट की PMSM मोटर। यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 किलोवाट की PMSM मोटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि जेन्युइन कंपोनेंट मोटोमैनिक प्रोवाइड करता है। ये वो कंपोनेंट है, और इस पर आप लोगों पे देख सकते हैं मोटोमैनिक का अथोराइजेशन कि मोटोमैनिक अथोराइज है इन कंपोनेंट को सेल करने के लिए, और जेन्युइन कंपोनेंट है सारे के सारे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरह से मोटर पर आप लोगों को दिख जाएगा। उसके बाद मोटर कंट्रोलर के बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर सेकेंड प्रोडक्ट के लिए। ये देखिए, कंप्लीट वायरिंग हार्डनिंग सेट है। इस वायरिंग हार्डनिंग सेट में आपको लाइटिंग, थ्रोटल, कन्वर्टर मिल जाता है, आपको आपको रिवर्स हॉर्न मिल जाता है, आपको यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है, हॉर्न मिल जाता है, फ्लैशर के साथ पूरा सिस्टम आता है। ये देखिए, कॉम्बो स्विच है जिससे कि सारे फंक्शन ऑपरेट होते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड, एमरजेंसी स्विच, इग्निशन स्विच, ब्रेक स्विच, ये सारा का पूरा कंप्लीट सेटअप हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको गाड़ी में एज इट इज़ इंस्टॉल करना रहता है, लगाना रहता है, और आपकी गाड़ी चालू हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए, डिजिटल डिस्प्ले हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि काफ़ी एक्यूरेट स्पीड आती है, और उसकी भी फाइन ट्यूनिंग हम लोग कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेट किया जा सकता है। अब अगला कंपोनेंट है ये फ्रंट एक्सेल है, ये भी हम लोग खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पर देखिए, मोटोमैनिक का लोगो आपको दिख जाएगा, ये भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग में और अलग अलग लोड कैपेसिटी के हिसाब से बनता है। जैसे कि अभी जो है ये 4 टन की कैपेसिटी का फ्रंट एक्सेल है, इसमें हम लोग 2 टन 3 टन 4 टन 5 टन 10 टन और हायर कैपेसिटी के फ्रंट एक्सेल खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। ये आपका डिफरेंशियल है, ये आप देख सकते हैं डिफरेंशियल, ये आपका हाई गियर रेशियो 2 स्पीड डिफरेंशियल है, जो कि काफ़ी हाई लोड के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, 3 टन 4 टन या उसे हायर कैपेसिटी के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका हाई लोड कैरिंग डिफरेंशियल हो जाता है, जो आपके काफ़ी हैवी ड्रम ब्रेक के साथ आता है। ये देखिए, 220 mm का ड्रम ब्रेक है, जिससे कि काफ़ी इफेक्टिव आपको हाइड्रोलिक ब्रेकिंग मिलती है। काफ़ी हैवी व्हीकल में भी आपको काफ़ी अच्छे ब्रेक सप्लाई होते हैं, तो ये हैवी ब्रेकिंग के लिए हम लोग हाइड्रोलिक डिफरेंशियल प्रोवाइड करते हैं 2 स्पीड में। इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी 5 टन या फिर अगर आपको ज़्यादा की चाहिए तो उसके हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। ये कंप्लीट पूरा स्टेयरिंग सिस्टम सॉल्यूशन है, जिसमें आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, काफ़ी हैवी ड्यूटी 4 टन 5 टन के लोड के लिए आपको स्टेयरिंग सिस्टम मिलता है, जिसमें कि कॉलम, स्टेयरिंग रोड्स और क्रॉस रोड्स होती हैं, वो भी हम लोग कस्टमाइज करते हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी है उसके हिसाब से कस्टमाइज भी हो जाता है, और अगर आपको स्टैंडर्ड चाहिए तो स्टैंडर्ड भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये तो हम लोगों ने पूरी बात की, जो कंपोनेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब आपको लाइव हम लोग सारी चीज़ों को चला के बताते हैं।
तो सबसे पहले देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे सप्लाई से। यहाँ पर आप देखिए हम लोगों ने बैटरी ऑलरेडी जोड़ी हुई है, छोटी बैटरी जोड़ी हुई है। सबसे पहले आपको करना यह होता है कि बस आपको इग्निशन ऑन करना है, इमरजेंसी आपका चालू है। यहाँ पर आप देखिए आपका बैटरी परसेंटेज आ गया, बैटरी लेवल इंडिकेटर चालू हो चुका है। अब आपके सारे के सारे फंक्शन लाइव हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम लोग वन बाय वन एक फंक्शन चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हॉर्न बजाएंगे आपको। देखिए हॉर्न अगर आपको जाना, ये हमारा कॉम्बो स्विच, ये देखिए ये ऊपर का आपको खाली, आपको ऊपर का आपको खाली यहाँ पर आप जैसे बजाएंगे आपके हॉर्न से देखिए कितनी हाई लेवल ऑफ साउंड जनरेट होता है। तो काफ़ी हाई लेवल का हॉर्न सिस्टम हम लोग देते हैं। अब हम लोग जैसे मान लीजिए हेडलाइट जलाते हैं, तो देखिए हेडलाइट जलाने के जैसे ही हम लोगों ने चलाया, यहाँ पर आप देखिए जलती हुई दो हेडलाइट आपको दिखेंगी और हेडलाइट के साथ साथ आपकी देखिए ये लाइटें भी चालू हो जाती हैं। ये आपकी हेडलाइट के साथ लाइटें चालू हो गई हैं। ये पीछे की लाइटें होती हैं, रेयर में लगती हैं, तो रेयर की लाइटें आपकी हेडलाइट के साथ साथ चालू हो जाती हैं। ये हेडलाइट चालू हो चुकी है। काफ़ी हैवी एलईडी हेडलाइट्स देते हैं, इसमें भी हम लोग कई तरह के ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इससे भी हैवी चाहिए तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि अलग अलग ज़्यादा क्वांटिटी की एलईडीज लगती हैं। तो ये लाइटिंग हो गया। अब हम लोग इंडिकेटर चालू करते हैं। देखिए जैसे ही आप इंडिकेटर दबाएंगे, जैसे ही आपने कॉम्बो स्विच ऊपर शिफ्ट किया, आपका इंडिकेटर चालू हो चुका है। ये देखिए दो इंडिकेटर आपके चल रहे हैं। ये आपका राइट लेफ्ट वाला इंडिकेटर है। जैसे ही आप ट्राइट करेंगे, ये हम लोग इन्हें बढ़ेंगे। अब देखिए ये राइट वाला इंडिकेटर चला दिया। हम लोगों ने पोजिशन चेंज की, राइट में उसको कॉम्बो स्विच को दबाया, तो आपका राइट वाला इंडिकेटर चालू हो चुका है। अब हम लोग आपको ब्रेक लाइट के फंक्शन चालू करके बताएंगे। देखिए ये ब्रेक स्विच हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही आप ब्रेक पेडल दबाते हैं, देखिए ये ब्रेक लाइट चालू हो गई। जैसे ही हम लोगों ने ब्रेक पेडल दबाया, ब्रेक लाइट चालू हो गई। ये देखिए ये ब्रेक लाइट का कनेक्शन हम लोगों ने किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट सारे कनेक्शन है जो कि आपके स्टैंडर्ड एक फोर व्हीलर में होते हैं, सारे कनेक्शन है और उसी के लिए सारी स्टैंडर्ड एसेसरीज हैं। और इसमें हाई क्वालिटी की एसेसरीज देते हैं हम लोग, काफ़ी ड्यूरेबल अच्छी कंपनियों की एसेसरीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग आपको सारे फंक्शन हो गए, खाली हम लोगों ने मोटर नहीं चलाई है। अब हम आपको मोटर चला के भी बताएंगे। ये थ्रोटल हम लोगों ने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। देखिए ये थ्रोटल दे दिया, आपकी मोटर चालू हो गई। तो ये देखिए ये, अब इसमें हम लोगों ने इमरजेंसी भी दिया हुआ है। मान लीजिए आप अगर आप चलती कंडीशन में इमरजेंसी दबा देते हैं, ये देखिए आपकी मोटर इमरजेंसी दबाती बंद हो गई। आपने इमरजेंसी को रिलीज करना है तो ये आपका सिस्टम चालू होगा। तो ये देखिए पूरा एक सेफ्टी सिस्टम हम लोगों ने डिज़ाइन किया। अब देखिए आपने इमरजेंसी रिलीज़ किया है, अब आपकी मोटर चालू हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक पूरा कंप्लीट सर्किट हम लोगों ने सेफ्टी के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि आपस में पूरी तरह से इंटरलॉक है, सेफ्टी इंटरलॉक के साथ है। और पूरा एक स्मार्ट सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर कस्टमाइज़ किया जा सकता है। और अगर आपकी स्किल लेवल की इससे और अलग टाइप की कोई यूनिक रिक्वायरमेंट भी है, तो मोटर मैकेनिक आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है डिज़ाइन डेवलपमेंट में और नए कंपोनेंट प्रोवाइड करने में। तो दोस्तों आपकी अगर कोई इस टाइप की भी कुछ रिक्वायरमेंट हो मटेरियल हैंडलिंग के लिए, या आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ अपनी कंपनी में DIY प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो आप इस तरह के लिए मोटर मैकेनिक में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हमेशा की तरह मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप सभी लोगों से कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें, जितना कम हो सके उतने अपने रिसोर्सेज को वेस्टेज करें, कम से कम वेस्टेज करें, और अपना कार्बन फुटप्रिंट कम से कम रखें। थैंक यू वेरी मच।